हे गाइस, वेलकम टू आकाश ट्रैवलिंग ब्लॉग वीडियो 2.0। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2023 है और हम सभी दोस्त जितने भी हैं, हमारे सर भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने निकटतम पर्यटक स्थल। यहाँ पर एक है सिकटिया, सिकटिया बराज या सिकटिया डैम कहते हैं, वहाँ हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं सर हैं और साथ में उधर भी बाइक सब लगा हुआ है, तो साथ में हम लोग निकलेंगे दोस्तों। तो आप सब तक बने रहें हमारे ब्लॉग पर और आपको जितना भी हो सकता है हम आपको सिकटिया डैम का सैर कराएंगे और दिखाएंगे आपको, हर जगह दिखाएंगे सिकटिया का, एक एक जगह से एक एक अलग अलग पॉइंट से व्यू दिखाएंगे आपको दोस्तों। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फाइनली हम पहुंच गए हैं सिकटिया डैम और आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। और यह जो है यह वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक स्पॉट है जामताड़ा और देवघर जिला वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारे संख्या में यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं। दोस्तों, फाइनली आप देख रहे हैं हम लोग सिकटिया बराज के ऊपर में हैं और कितना खूबसूरत नज़ारा है, दूर दूर तक फैला हुआ पानी है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आप देखिए, मैं आपको ऊपर से एकदम नीचे का व्यू दिखा रहा हूं और यहां पर कितने लोग पिकनिक मना रहे हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं बराज। तो मेरे साथ सर भी हैं, हम लोग सिकटिया बराज आ चुके हैं। तो आप सभी यहां देख सकते हैं यहाँ जो पानी है, यहाँ बहुत ही गहरा पानी है। तो इस यहाँ पर जितने भी लोग हैं पिकनिक मना रहे हैं, यहाँ आप दूर दूर तक आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों की भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ पर पानी का रंग देखिए दोस्तों, कितना हरा है, देख करके यहाँ डर लगता है, काफ़ी गहरा पानी है। Thank you.
आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आए हुए हैं, और प्राय प्राय यह दिसंबर से जनवरी महीने में हम सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है, और देखिए सभी अपना यहाँ से उड़कर अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली सिकटिया के थोड़े आगे हम लोग आ गए हैं, और आप देख सकते हैं बाबा त्रिवेणी नाथ मंदिर, और यह जो है ये सिकटिया बराज के थोड़े ही आगे है। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे घूमने के लिए, तो देखने के लिए मंदिर प्रांगण को देखिए, बहुत सुंदर है। देखिए आप ये जगह को देखिए आप, कितना सुंदर है और कितना अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आने के लिए रास्ता बनाया गया है, इसके लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है, और भोलेनाथ का यह मंदिर काफी खूबसूरत है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा पूरा ग्रुप आ चुका है, जो यहाँ हमारा एक दोस्त है आशीष सर, थोड़ा एक बार हाथ हिला दीजिए सर। तो ये देख सकते हैं ये भी आए हुए हैं, यहाँ पर हमारे गांव के वही बच्चा लोग हैं, तो सबको हाय कर दें एक बार। तो सर भी वहाँ पे हैं, खड़े हैं, तो उनका पहले ही हम दिखा चुके हैं। ये लोग कार में थोड़ा लेट हो गया था दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग का थोड़ा लेट हो गया, वीडियो शूट पूरा नहीं हो पाया है, फिर भी अंततः हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं अपने दोस्तों को। तो क्या कुछ बोलना चाहिएगा, ये सर के बारे में कुछ बोलिएगा, ये जगह के बारे में कैसा लगा? अभी सर मार रहा है, छोड़ दीजिए। इसी तरह मतलब देख रहे आप, देख रहे हैं ये सर मार से पूछता है कि नहीं, बुरा बोल देता है कि ये अभी सर मार रहा है, बाद में बोलेगा अभी आया ही है, धीरे धीरे बोलेगा। ये अभी सर मार रहा है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे बोलेगा, बाद में धीरे धीरे खुलता है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से नज़ारा है, पूरे लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हुए हैं, और यह जो है ना यहाँ का बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है। तो इसलिए आप देखिए दूर दूर तक आप बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ है। आपसे के लिए है, नहीं तो भीड़ देखिए कुछ बोलना चाह रहा है, इतना भीड़ होता अभी अगर शाम नहीं होता। अच्छा ठीक है, समझ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि शाम होने को है, तो चलिए हम लोग अपने घर की ओर चलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।